आज मैं सेजवान फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ। यह एक इंडो चाइनीज रेसिपी है, यह बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम 250 ग्राम बासमती चावल, जिसे मैंने पानी में अच्छी तरह से धोकर रख लिया है, वॉश कर लिया है, और मिली जुली कटी हुई सब्जियां जैसे कि बंद गोभी 3 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स, और 1 कटोरी जो है स्प्रिंग ऑनियन बारीक कटा हुआ, हरा प्याज का पत्ता, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच टमाटो केचप, 1/2 छोटा चम्मच सिरका, 2 बड़े चम्मच सेजवान सॉस, 2 बड़े चम्मच तेल और नमक स्वाद के हिसाब से। फूड कलर थोड़ा सा हम इसमें यूज करेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। आइए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल को पकाएंगे। तो मैंने एक जो है स्टील का भगोने में मैंने 3 ग्लास पानी जो है ले ली हूँ। अब इसमें मैं इसको उबाल ली हूँ पानी को, इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी और 1 छोटा चम्मच इसमें मैं तेल डालूंगी, साथ ही मैं 1/2 नींबू का रस इसमें डाल दूंगी। अब इस उबलते हुए पानी में मैं ये चावल को जो मैंने धोकर रखी हूँ उसे मैं डालूंगी और इसे मैं करीब जो है 90% से 95% तक इसमें मैं इसे कुक कर लूंगी, पका लूंगी। और थोड़ा सा इसको कच्चा ही रहना चाहिए क्योंकि जब हम इसको लास्ट में जो है सब्जियां डालकर पकाएंगे और हाई फ्लेम में, तब ये जो बचा चावल जो है वो पक जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने इसमें चावल को डाल दी हूँ और इसको 95% तक जो है मैं पका लूंगी। ये देखिए हमारा चावल जो है इस तरह 95% तक जो है ये कुक हो चुका है। अब हम इस गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे मैं एक छन्नी की सहायता से छान लूंगी। इस तरह से अब हम इसे छन्नी की सहायता से छान लेंगे। इसमें मैंने नींबू का रस डाली हूँ, इससे चावल जो है एकदम अलग अलग और खिले खिले बनते हैं। इस तरह से ये देखिए ये हमारा चावल जो है पूरा 95% तक कुक हो चुका है। अब इसको जो है हम अलग रख देंगे और अब हम आगे का स्टेप जो है स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस के ऊपर एक पैन रखकर गर्म कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच जो है तेल डालकर मैं इसे गर्म कर लूंगी, इसमें ज्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखेंगे हमारा तेल गर्म हो चुका है कि नहीं, थोड़ी देर में हमारा तेल गर्म हो जाएगा। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम लहसुन जो बारीक कटा हुआ है उसे मैं डालकर हल्का सा इसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उतना इसमें मैं फ्राई करूंगी। अब इसमें सब बारीक कटी हुई सब्जियां हम डाल देंगे। इसमें यहाँ पे मैंने फ्रेंच बीन बहुत ही बारीक काटी हूँ, गाजर भी बारीक काटी हूँ, इसीलिए जो है ये आसानी से जो है बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएगा। इसे हमको तेज आंच में जल्दी से फ्राई करना है, साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डालिए और साथ ही इसमें मैं 1/2 स्प्रिंग ऑनियन अभी डालूंगी, बाकी 1/2 जो है मैं गार्निश के लिए रखूंगी। इस तरह से हम सब्जी को 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में
अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले सिरका डालूंगी। गैस का फ्लेम अभी हम मीडियम में रख लेंगे, साथ ही इसमें रेड चिली सॉस डालूंगी, इसे भी डालकर हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही इसमें मैं टमेटो केचप डाल दूंगी, इससे हमारा जो तीखापन रहेगा वो थोड़ा कम तीखा, यदि जो खाता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तीखापन जो है उसको कम करने के लिए यहाँ पे हमने टमेटो केचप का उपयोग किया। ये देखिए अच्छे से मिल गया। अब इसमें मैं सेजवान सॉस डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मैं मिला लूंगी। और इसी बीच जो है हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, ज्यादा नहीं, ए पिंच ऑफ फूड कलर जो है हम डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे हमारे राइस में बहुत ही अच्छा कलर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल की हूँ। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम सब राइस को डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है और बीच में आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने स्वाद के हिसाब से 1 छोटा चम्मच नमक मैंने इसमें डाली हूँ। यदि आप अधिक चाहते हैं खाना तो इसमें नमक जो है और भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और साथ ही बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। बड़े बच्चे सभी इसे खाना पसंद करते हैं, तो इसे आप जो है अपने घर में अवश्य बनाइए और ट्राई करिए। ये देखिए हमारा सेजवान फ्राइड राइस ऑलमोस्ट जो है तैयार है। अब मैं गैस का फ्लेम जो है तेज कर दूंगी और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम में मैं इसको फ्राई करके अच्छी तरह से मिलाऊंगी। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और लास्ट में जो है हम इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन डाल लेंगे इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। ये हमारा सेजवान फ्राइड राइस तैयार है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें।